Question 11. कहता है इक्विटी शेयर को एक रुपए का बना दो, सब डिवाइड कर दो। अभी कितने वाले इक्विटी शेयर? 10 वाले। 10 वाले मर जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 वाले मर गए तो इक्विटी शेयर कैपिटल एक रुपए वाले पैदा हो गए। कितना अमाउंट है? नहीं, 15 लाख। बेटा ध्यान दो, 15 लाख है, ऐसे मत करो। दीपांश आप ध्यान दे बेटा, कहता कि 90% उन्होंने सरेंडर कर दी, तो 90% शेयर खत्म हो जाएंगे और सरेंडर्ड शेयर्स पैदा हो जाएंगे 13,50,000। आपने देखा होगा जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, ये उसका बच्चा है, सारे पॉइंट थोड़ी है, उसमें तो बहुत सारे पॉइंट थे, नहीं समझा? थर्ड कहता है 6 लाख हमने सरेंडर शेयर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिए जिन्होंने अपना पूरा क्लेम छोड़ दिया, तो 6 लाख की उल्टी एंट्री हो जाएगी। और उन्होंने कितना छोड़ दिया पैसा? कितना? 8 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन 8 लाख। कैसा लगा? करेक्ट। क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि 40% हमें दे दो और हम अपना पूरा क्लेम छोड़ देंगे। क्रेडिटर्स है 6 लाख के, 40% शेयर देने, 6 लाख का 40%, 2,40,000। और वो 6 लाख रुपए छोड़ देंगे। क्रेडिटर्स टू रिकंस्ट्रक्शन, कैसा लगा? 2,40 के शेयर दे दिए 40% के लिए, 6 लाख का 40% क्या होता है? 2,40 और 6 लाख रुपए में छोड़ दिए। सेवन कहते रिमेनिंग सरेंडर शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे। यही जरा कैलकुलेटर निकाली, सरेंडर हुए थे 13,50, रीइशू हो गए 6 लाख, कितने बचे? 7,50। 2,40 और रीइशू हो गए, कितने बचे? 5,10। तो 5,10 कैंसिल कर दो, सरेंडर शेयर्स टू रिकंस्ट्रक्शन 5,10,000। आगे मजा। एट कहता है इक्विटी शेयर को 100 का बना दो। अब देख बेटे बबलू, ते पांच देख बेटा, ये 15 लाख के शेयर थे जिसमें से 13.5 के सरेंडर हो गए, 1.5 बचे, 1.5 पे फिर 6 लाख और इशू हुए, 7,50, 7,50 फिर 2,40 और इशू हुए, 9,90। तो 9,90 वाले कंसोलिडेट हो गए ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1 रुपया डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 रुपये के बन गए ना ये, तो 9,90 हो जाएगा ना। आप यही पूछ रहे थे ना दीपांश बाबू, आगे समझ में? गोले डाल दिए, एक बार और समझाओ। 13.5 के भाई पहले थे 15 के, 13.5 सरेंडर हुए, 1.5 रह गए, 1.5 के बाद 6 इशू हुए, 7,50 हो गए, 7,50 के बाद 2,40 और इशू हुए, 9,90। इनको हमने कंसॉलिडेट कर दिया। फिर कह रहा है इन सबको राइट ऑफ द पेटेंट पुटेंट को, रिकंस्ट्रक्शन टू क्या क्या है? पेटेंट टू गुडविल टू P&L टू डेफर्ड एडवर्टाइजिंग, कहता बैलेंस प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी का बाद में करेंगे। पेटेंट कितना है? 75,000। गुडविल 2,60,000। P&L 8,70,000। डेफर्ड 2 लाख, टोटल करो ना बेटा 14,00,000। कैलकुलेटर पे करना, ऐसे ओरली में बताना,
गुड बॉय। कहता है एक्सपेंसेस रिकंस्ट्रक्शन के 10,000 है, तो ये भी रिकंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे, रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक 10,000। फिर कहते 1,00,000 नए शेयर इशू किए, 1,000 शेयर 1,00,000 रुपए के, तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000। और कुछ तो नहीं है देखने को, छूटा तो नहीं। अब कैलकुलेटर खोल लो, रिकंस्ट्रक्शन का बैलेंस निकाल के उसको ट्रांसफर कर दे, मैं देखता हूँ। जोड़ो 8,00,000, 8 × 6 = 14, 14 × 5 = 10, 19 × 10, 19 × 10 में से 14 × 5 गए 5,05,000, उसमें से 10 गए 4,95,000, इसे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को खत्म कर दो। उसने बोला था ना जो बच जाए वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रिड्यूस कर दूंगा। देखो वैसे तो हम इसको ले जाते कहां पर, कैपिटलिज्म में, पर उसने खुद बोला है कि जो बच जाए वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में रिड्यूस कर देना। देख समझ एक बात, अब क्या बनेगी, बैलेंस शीट, शेयरहोल्डर फंड, दो चीजें आएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व, ठीक। उसके बाद डिबेंचर्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स डिबेंचर्स हो जाएंगे करंट लायबिलिटी में, हैं? क्रेडिटर्स तोड़ गए, अनसिक्योर्ड लोन है और एक्रूड इंटरेस्ट। अनसिक्योर्ड लोन किस में डालना है, लॉन्ग टर्म में डालना है, तो ऊपर जुड़ जाएगा फिर इसमें तो एक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा बस। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, इस बजाय ये हो गया नोट, ये करंट ईयर लास्ट ईयर, ये जुड़ जाएगा ऐसे। नीचे नॉन करंट एसेट्स, उसमें टेंजिबल आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और वो तो उसी में आ जाएगा ना। एक इंटेंजिबल भी है यार, नहीं इंटेंजिबल तो उड़ा दिया ना, पेटेंट पुटेंट तो उड़ा दिया, गुडविल आया नहीं है, ठीक है। फिर आ जाएगा करंट एसेट, स्टॉक है, इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और कैश, ठीक है ना, ये सब चीजें आ जाएंगी। अब इक्विटी शेयर कैपिटल देखो कितने हुए थे, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 990 के यहाँ कंसोलिडेट हुए थे और 1,00,000 के इशू हो गए थे, तो 10,90,000 हो गए बस, 10,90,000। रिजर्व नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, तो जीरो। लॉन्ग टर्म लोन में तुमने कहा है कि डिबेंचर और अनसिक्योर्ड दोनों डाल दो, यही बोला ना आपने, हैं? तो डिबेंचर कितने के हैं और अनसिक्योर्ड, तो दोनों को जोड़ के डाल देते, कितना जाएगा 13,40 बस। अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा वो एक्रूड इंटरेस्ट कितना, 45,000 बस, यही रह गया 23,75 से ज़्यादा लग रहा है, 24,75 लग रहा है। हाँ सर, ये लायबिलिटी के ऊपर ऑथराइजेशन, वो तो इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, कितना आ रहा है 24,75, ठीक है। अच्छा इनटेंजिबल एसेट में क्या आएगा, सिर्फ प्रॉपर्टी, 8,50 से कितने से कम हुई थी, 4,95 से कम हो गई थी, 4,55। इन्वेस्टमेंट को तो छेड़ा ही नहीं है, 1,10, 8,50 में से 4,95 कम करो यार, 3,55 है, उल्टा सीधा बोल रहे बैठे हुए, कैलकुलेटर से भी ठीक नहीं कर रहे, तो किससे करोगे यार। तीन पचपन, स्टॉक को तो छेड़ा ही नहीं,
आठ पचास और डेटर्स 970। अब कैश की बात करो, अच्छा प्रॉपर्टी के साथ एक प्लांट भी था ना, तो प्रॉपर्टी तो हो गई 355 और प्लांट हो गया 1,00,000 का, तो टोटल 455 हुआ। तो टोटल 455 है, अकेले के तो 355 हुआ ना। अब कैश पे आ जाओ, इसमें बैलेंस शीट में तो कैश है ही नहीं, तो यहीं से निकलेगा जो कैश निकलेगा। वो देखो जरा, कैश कैश कैश, इसमें तो है नहीं कोई कैश, कैश कैश कैश, लास्ट दो में 1,00,000 आया, 10 चला गया, बस 90,000 हो गया कैश, 90,000 टोटल करिए, टोटल करके बता रहे हो ना, 2475। नई बैलेंस शीट तो तुम्हारी 20,000 बनवादी रहती गई होगी, हाँ क्या ना। बस फुल फॉर्म लिख देना, थोड़ा मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, NCL, तो आप लिख देना प्रॉपर नॉन करेंट लायबिलिटी, मैं तो इसलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ, इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा साफ भी दिखता है बच्चों। क्लियर हो गया पूरा का पूरा, कोई डाउट है तो बता दो, क्लियर। 11 क्वेश्चन में भी आपने झंडे गाड़ दिए, आज तो झंडे गाड़ने वाला दिन है, दे झंडे पे झंडे, डिफिकल्ट क्वेश्चनों में से एक।